आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जैतपुरियम नगर पंचायत अजमतगढ़ में सर्दी व गलन को देखते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा निरीक्षण किया गया, एवं संबंधित ईओ अमित कुमार यादव को निर्देशित किया गया कि चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाएं, जिससे कि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अजमतगढ़ एवं जैतपुर नगर पंचायत में पहले से कुल 11 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे थे, पर बाजार वासियों ने दोनों ही नगरों में 5 नवीन स्थानों पर अलग अलग से अलाव जलाने की मांग करते हुए कहा कि इन स्थानों पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों का आवागमन जारी रहता है। खासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाया जाए, ठंड और गलन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बाजारों में गलन बढ़ने व सर्दी के कारण ग्राहक नदारद हैं और दुकानें समय से पूर्व बंद कर दी जा रही है, जिसे देखते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा निरीक्षण कर अशासी अधिकारी अमित कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिन स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे थे, जहाँ जहाँ जनता की मांग है, उन स्थानों पर भी अलाव जलाए जाए, ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान समाज सेवी निहाल मेहदी, पप्पू पाठक, राजेश चौहान, सतीश सोनकर, मुन्ना यादव, मुन्ना वैद और अन्य लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। ठंड को देखते हुए, देखिए बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए आज जो स्पॉट्स थे जहां अलाव जलाया जा रहा है, जिनकी पब्लिक के लिए यूटिलिटी ज्यादा है, उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। तो जैनपुर मार्केट में 11 जगहों पर और अजमतगढ़ में 10 जगहों पर अलाव जलाया जा रहा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट थे जो कि जनता की डिमांड थी कि वहाँ पर भी अलाव जलाए जाएँ। 5 पॉइंट्स जैनपुर में और 5 ही अजमतगढ़ में, 10 पॉइंट्स नए जहाँ अलाव जलाने के लिए ईओ को निर्देशित किया गया है, आज ही से वहाँ भी अलाव जलेगा। विकलांग भी हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।